सेटिंग अरेंजमेंट कल पढ़ रहे थे, राउंड टेबल है, गोल टेबल है, 6 दोस्तों को 5 दोस्तों को 4 दोस्तों को बैठाया जा रहा है, ठीक है, क्लास में ध्यान दो। अब 4 या 6 या 5 दोस्तों को अगर बैठाया जा रहा है टेबल पे, तो एक क्वेश्चन अगर आपको मिल रहा है तो कॉम्बो के साथ 3-4 क्वेश्चन के सॉल्व करने होंगे, आपको आंसर जवाब देने होंगे। चलो रमजा आप सॉल्व करो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी 6-8 दोस्त हैं टोटल, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जी एच तक, ठीक, एच तक टोटल कितने हैं, ये 8 दोस्त हैं, और एक राउंड यानी गोल टेबल है, ठीक है, गोल टेबल बना लो पहले। अब इसमें पहले हम क्या करेंगे, मैं बता रही थी चेयर्स लगा लेंगे, क्या करेंगे, 8 चेयर्स लगाओ, हमने चेयर्स लगा ली। अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, देखो एक सेंटर टेबल है, गोल है, और इसी तरह ये बैठाए जा रहे हैं, सी जी और ए दोनों के बगल में बैठा है, सी जो है वो जी और ए, तो अभी तो कुछ नहीं बैठाया हमने, तो शुरू से शुरू करते हैं, तो जी और ए को रखो कहीं, जी और ए के बगल में बेटा सी बैठा है, तो दोनों के बगल में कैसे बैठ सकता है, तो सी को बैठाओ, ठीक, तो सी जो है वो जी और ए दोनों के बगल में बैठा है, ई सी के लेफ्ट साइड सेकंड प्लेस पे, ई जो है वो सी के लेफ्ट साइड सेकंड प्लेस पे, ई अभी ई कहीं बैठा है, नहीं बैठा है, सी के लेफ्ट साइड, सी का लेफ्ट, सी ऐसे बैठा है तो लेफ्ट किधर होगा, नीचे होगा इधर की तरफ, लेफ्ट साइड सेकंड प्लेस पे ही है, तो 1 2 सेकंड पे क्या हो गया, ई हो गया। अब बताइए कि सेकंड प्लेस पे बैठा है, ई एच के बीच में दो लोग बैठे, ई और एच के बीच में दो लोग बैठे, यानी ई यहाँ है तो 1 2 एच यहाँ होगा इसके, क्योंकि बीच में कोई दो लोग बैठे, लेकिन बताया नहीं जा रहा कि वो दो लोग कौन है। बी जी के एकदम बगल में बैठा है, बी जी के, बी कहाँ बैठा है, अभी बी नहीं बैठा है, लेकिन जी के एकदम बगल में बैठा है, भाई बी जो है वो जी के बगल में बैठा है, बी और एफ के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है, एक इंसान बैठा है, तो यहाँ पे तो जी के बगल में बी को बैठना चाहिए, हाँ, तो क्या यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, ये गड़बड़ हो रही है, ये कैसे गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि स्टार्ट में मैंने बोला है सी जी और ए दोनों के बगल में बैठा है, तो यहाँ पे तुमने क्या किया है, ई को गलत बैठाया है, तो ई को क्या करेंगे, अच्छा रखते हैं, फिर से देखते हैं, सी जी और ए दोनों के बगल में बैठा है, तुमने दोनों के बगल में बैठा दिया, ई सी के राइट लेफ्ट साइड सेकंड प्लेस पे, सी के, ई जो है वो सी के, तो अगर हम देखते ई जो है मेरा सी के लेफ्ट साइड, ई का लेफ्ट किधर होगा, दो लोग बैठे, ई और एच के बीच में दो लोग बैठे हैं, बी जी के बिल्कुल बगल में बैठा है, बी जी के बिल्कुल बगल में नहीं, यहाँ पे होगा बी जी, सॉरी बी जी के दो प्लेस छोड़ के बगल में बैठा है, तो दो प्लेस बी जो है वो बैठा है जी के, दो प्लेस छोड़ के कहाँ बैठ सकता है, 1 2 यहाँ भी बैठ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बोल रहा है यहाँ पे दो लोग बैठे हैं, तो यहाँ पे भी बैठ सकता है, यहाँ पे भी बैठ सकता है, लेकिन आगे देखेंगे बी और एफ के बीच में कोई एक बैठा है, तो बी और एफ के बीच में कोई एक बैठा है, तो बी को यहाँ बैठाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैठाना सही नहीं होगा, क्योंकि बी और एफ के बीच में एच तो बैठा ही ऑलरेडी, तो यहाँ पे किसको बैठा दे रहे, बी को, और यहाँ पे एफ को बैठा दे रहे, अब बचा कौन, कौन बचा है, डी, तो डी को बैठा दो, अब हमारा आंसर सही आ रहा, देखते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, सी जी और ए दोनों के बीच में बैठा है, दोनों के बीच में बैठा है, ठीक, ई सी के लेफ्ट साइड सेकंड प्लेस पे, सी के लेफ्ट साइड सेकंड प्लेस पे, ठीक है, ई और एच के बीच में दो लोग बैठे हैं, बिल्कुल सही है, जी के दो प्लेस छोड़ के बी बैठा है, तो जी के दो प्लेस छोड़ के बी बैठा है, आप बताइए बी और एफ के बीच में कोई एक बैठा है, तो बी और एफ के बीच में कोई एक बैठा है जो एच है, तो अब आपका क्वेश्चन आ रहा है कि एच के एक्सप्लेनेशन में डी का क्या प्लेस है, एच के एक्सप्लेनेशन में, एच का, एच के एक्सप्लेनेशन में डी का क्या प्लेस होगा,
सेकंड पे हम टिक करेंगे। आप बताइए ए के लेफ्ट साइड सेकंड प्लेस पर कौन बैठा, ए के लेफ्ट जी 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 एक ए तो ये है, ए के लेफ्ट साइड सेकंड प्लेस पे जी, आंसर लिखो जी। बी और एफ दोनों के बगल में कौन बैठा है, बी और एफ दोनों के बगल में कौन बैठा है, एच। इसका भी बगल ये तो नहीं कह रहा ना कि राइट साइड या लेफ्ट साइड, वो बोल रहा है बगल में। अगर दोनों का बगल बोल रहा है तो वो जो भी लेटर होगा, जो भी इंसान होगा, वो उसके बीच में बैठाना है। ये चीज याद रखना, अगर सिर्फ बगल बोल रहा है कि पास में बैठा है, बगल में बैठा है, लेफ्ट राइट नहीं बता रहे हमको, तो हमें इतना कॉमन सेंस लगाना है कि दो लोगों के बगल में वही बैठेगा जो बीच में बैठा होगा। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन है, जी के लेफ्ट साइड सेकंड प्लेस पे कौन है, जी के लेफ्ट साइड सेकंड प्लेस पे डी, डी आंसर लिखो डी। एक क्वेश्चन रमजा ने सॉल्व कर दिया, सेकंड क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा, सेकंड क्वेश्चन मुस्कान जल्दी से, अरे आइए कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन है आपका जो इसी तरह का कल भी एक क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा अलग है। टी क्यू आर एस टी यू वी ये भी आपके साथ है, चलिए लिखिए टी क्यू आर एस टी यू वी। कितने हुए टोटल, सात है। तो एक टेबल बनाओ, सेंटर टेबल है गोल, सेंटर टेबल उसमें कितनी चेयर्स लगेंगी, अब सात लोग हैं तो सात ही चेयर लगाएंगे, तो सेवन चेयर्स लगाइए, फोर लगा दीजिए, तीन को ऐसे बैठा दो, एक को बस, सेवन चेयर्स लगा दी। अब देखिए ये सब एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे, अब सेंटर टेबल है, गोल है, तो एक दूसरे की तरफ फेस ही करके बैठेंगे ना, नाराज होके उल्टा तो बैठेंगे नहीं एक दूसरे से। तो पी टी और एस के बीच में है, पी कहीं भी रखो, पी जो है वो टी और एस के बीच में, टी और एस के, हमें नहीं पता टी एस, टी लेफ्ट है राइट है, एस लेफ्ट है राइट है, हमने रख दिया, टी और एस के बीच में है। यू क्यू और वी के बीच में, ऊपर रखो, यू क्यू और वी के बीच में है, क्यू और वी के बीच में। अब देखो प्रॉब्लम होगी यहाँ पे, क्यू टी के राइट साइड दूसरा है, क्यू टी के राइट साइड दूसरा है, सही है, वन वन टू राइट साइड दूसरा है। अब सिर्फ बचा गया इसमें से आर को बैठा दो। अब बताइए कि आर का प्लेस कौन सा है टी के अकॉर्डिंग, टी से राइट या दाएं जो भी कहेंगे, टी से राइट साइड क्या है आर, फर्स्ट बैठा है, वेरी गुड, फर्स्ट बैठा है राइट साइड, फर्स्ट बैठा है। वी कहाँ है, टी से, वी टी से कहाँ है, लेफ्ट थर्ड बैठा है। सेटिंग अरेंजमेंट समझ में आ गया, एक बार जब हमने अच्छे से बैठा लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा, निकल जाएगा। दो क्वेश्चन कल करवाए थे, दो क्वेश्चन आज हो गए, कल हम लाइन वाइज करवाएंगे। लाइन वाइज मतलब एक सीधी टेबल है और सीधी टेबल के अकॉर्डिंग उस पर कुछ लोगों को बैठाया गया है, तो लेफ्ट बैठा है राइट बैठा उसको करेंगे। ठीक, तो सर्कल वाला समझ में आ गया, और बताया है एक क्वेश्चन अगर आएगा तो कॉम्बो में तीन क्वेश्चन जरूर आएंगे, समझ में आ गया। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।